बांग्लादेश आउट ऑफ कंट्री। इसकी मम्मी वीजा लगा के इंडिया आई इलाज करवाने के लिए। बस ऑपरेशन हो गया उनका, बस पैर वगैरह कुछ डैमेज था, कर दिया ऑपरेशन। बट 2.5 लाख 3 लाख रुपए खाने के बाद बोल रहे कि और भी पैसा दो। उनको डिस्चार्ज अगर नहीं दे रहे हैं, उनको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, उनको ऊपर से हर दिन चिल्ला चिल्ला के डराया जाता है, धमकाया जाता है, ऐसा वाला सीन है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। तो मैं रेडी हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए, अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं एक्चुअली हेल्थ चेकअप के लिए। अब बहुत सारे सोचेंगे कि मतलब कल मेरे से बहुत सारे पूछे भी हैं कि अचानक हेल्थ चेकअप क्यों कर रहा है, अचानक हेल्थ चेकअप क्यों कर रहा है। एक्चुअली मेरा सेकंड ईयर से प्लान था मैं पूरा बॉडी का हेल्थ चेकअप करूंगा। अब बहुत सारे सोचेंगे कि अचानक से मतलब ऐसे कैसे, लेकिन हाँ मतलब मेरा मन था कि मैं एक बार बॉडी का हेल्थ चेकअप करके जानूं कि क्या सीन है, नहीं है मतलब सबको होता है ना क्यूरियोसिटी का अपना बॉडी के बारे में जानने के लिए, वो तो नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन मेरा है कि मैं जानूं अपने बॉडी के बारे में कि मेरा बॉडी में क्या सीन है, नहीं है मेरा बॉडी अच्छे से फंक्शन हो रहा है अंदर से नहीं हो रहा है। तो ये सब ऑब्वियसली इस टेस्ट में आ जाएगा, पूरा पता चल जाएगा अच्छे से। सो मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था बहुत दिन से, बट मेरे को अभी जाकर मजा नहीं बोलूंगा, अब जाकर मेरे को समझ आया तो मैंने करने जा रहा हूँ। अभी कल मैंने बिलिंग कर लिया था, बस बिल लेके जाना मेरे को। अभी खाली पेट में एक्चुअली टेस्ट था, तो मॉर्निंग खाली पेट पॉसिबल होता है, मैं तो कल आफ्टरनून गया था, मतलब ऑलमोस्ट कल मैं आफ्टरनून नाइट के आसपास गया था, तो उस टाइम तो पॉसिबल होता था नहीं, तो बोला कि कल मॉर्निंग आ जाओ बेहतर होगा। तो मैं मॉर्निंग जब मैं जिम में एक्चुअली गया भी नहीं, अभी मैं प्लान करूँ मैं शाम को जिम वाले में, तो फिलहाल निकलता टेस्ट के। कल मेरे से फ्रेंड भी पूछ रहा है, जिम पार्टनर है, लाइक क्लासमेट है, अच्छा दोस्त भी है, पूछ रहे कि अचानक हेल्थ चेकअप क्या सीन है, मतलब कुछ होएगा। मैं बोला नहीं, बस हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, पूरे हेल्थ के बारे में जानना बॉडी का क्या सीन है, नहीं है, क्योंकि हम जिम विम करने वाले हैं ना, तो मसल वसल टूटता है, मसल बनता है, बहुत सारी चीज खाते पीते रहते हैं हम, तो इनपुट आउटपुट जब होता है तो जानना जरूरी है ना कि जिस थ्रू तुम इनपुट आउटपुट ले रहे हो चीजों का, उसका फंक्शन ढंग से हो भी रहा नहीं हो रहा, वो भी जाना जरूरी है ना। तो बस ये सब जानने के लिए जा रहा हूँ मैं। और एक्चुअली ये सब साल में ना मैं एडवाइस करूंगा कि छोटू देख थोड़ा फूल कैसा होगा, उसको थोड़ा सही कर दो गुलाब के फूल को, हाँ ऊपर वाला, हाँ थोड़ा देख क्या हो उसको, छोड़ दे वो सही हो जाएगा ऐसे भी। एक्चुअली ये जो टेस्ट है ना फुल बॉडी चेकअप का, ये ऐसा नहीं कि स्पेशली एक चीज का टेस्ट है, पूरा बॉडी का टेस्ट होता है इसमें। तो बोलते हैं कि साल में 1 से 2 बार टेस्ट सबको कराना चाहिए, कंपलसरी नहीं है बट बोलते ही 1 से 2 बार साल में करवाना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में भी हर एक स्टाफ को फ्री है, तुम साल में एक बार करा सकते हो। कल मैं गया था फ्री करवाने के लिए, अपना बहन जो बोला कि नहीं पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बॉडी का चेकअप है ना ज्यादा पैसा लग जाता है, बोला नहीं तुम पैसा दे कराना पड़ेगा। मतलब ठीक है तुम एक ही बार बोल दो पैसा देना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं क्या आल बाल बका ऐसे बोला कि ये टेस्ट होता ही नहीं है, ये टेस्ट है ही नहीं यहाँ पे। मैं सिंपली फिर बोला एकदम से कि इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा मेरे को, बोला कि हाँ। फिर मैं आ गया बाहर, मैं बोल दो पैसा देना पड़ेगा तुम्हें फ्री नहीं कर सकता इस टेस्ट का, कुछ भी बक्सो पहले जा रहा है लड़कल को। पर ऐसा नहीं कि मैं उसके भरोसे बैठा हुआ था, एक्चुअली मेरे पास पैसा था, बस मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस करा था कि एक बार जाकर देख तरफ फ्री हो जाएगा, तो मैं गया था बस, और कुछ नहीं, मेरे पास पैसा था एक्चुअली करवाने का। तो लेट्स गो, जाते हैं, खाली पेट का सीन था, ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है, तो लेट्स गो फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है, नहीं है। फिर एक होगा मेरा खाली पेट तो अभी टेस्ट होगा, और फिर शायद एक टेस्ट होगा जो मेरे को खा के जाना पड़ेगा 1-1.5 घंटे के अंदर में। तो पहले जाते हैं खाली पेट, 10 अभी ऑलमोस्ट बजने वाला है, जाते हैं टेस्ट करवाते खाली पेट वाला, और देखते हैं कि खाना खाने के बाद का टेस्ट कितना टाइम बाद बोलता है। फिर मैं आफ्टरनून शिफ्ट जाऊंगा, उस टाइम जाके करा सकता हूं या नहीं, मैं जाके पूछता हूं क्या सीन है, नहीं है। फिलहाल लेट्स गो। रिपोर्ट सर 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे सर, हाँ स्लिप तो होगा इस टाइम। हाँ तो एक बार सैंपल देख आ गया, मेरे को एक बार जाना पड़ेगा लंच वंच करने के बाद, लाइक खाना वाना खाने के बाद जाना पड़ेगा मेरे को, तो फटाफट एक शेक बनाता हूँ बढ़िया सा, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, लाइक खाना खाते 1.5 घंटे बाद मेरे को पहुंचना पड़ेगा वापस से। लेट्स गो, दूध लेकर जस्ट बाहर से आया हूँ ठंडा ठंडा, बिना बोले कर फटाक से बनाते कुछ बढ़िया सा, सेक ही बनाऊंगा बढ़िया सा, कैसे बना लूंगा, और फिर निकलते हैं आराम से खाना वाना खा के। इस टाइम मॉर्निंग सब मैम लोग आते हैं हॉस्पिटल में, सब हमें देख के मतलब कोई कोई देखा हमारे को देख के सॉफ्ट था, और वो लोग
अपना इमेज ऐसा कर रखा है ना हम लोग के सामने, हम लोग उसको देख के डरते हैं एक्चुअली, वो लोग इमेज ही ऐसा कर रखा है अपना वाला। कुछ कुछ मैम को देखिए एक्चुअली अच्छा लगता है कि हाँ ये मैम अच्छा है, कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, सर लोग ओबे सब चिल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अपना इमेज इतना घटिया है, इतना गंदा कर रखा है ना भाई, देख उनको डर लगता है हमारे को। तो कोई नहीं, हमें पता है कि हमें ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम पे ऐसे गए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में सब मैम लोग आते हैं हॉस्पिटल में, सब आते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी आते हैं हॉस्पिटल में, तो हमें पता था कि ये सब फेस करना पड़ेगा। बट किसी से हमारे ऐसे पास बैठ के बात नहीं हुआ, खड़ा होकर बात नहीं हुआ, बस दूर से देखा है दो बच्चा आ रहा है हमारे कॉलेज का, बस ऐसा वाला सीन है। मैं आपको कुछ नहीं है, फटाफट मस्ती फटाक से पीते हैं और फिर निकलेंगे वापस करके, डेढ़ घंटे बाद या दो घंटे बाद आराम से निकलते हैं। कुछ बनाते बढ़िया था खाने के लिए, सो लेट्स गो, ऑल सेट। अब आधा घंटा ऑलमोस्ट तो हुआ भी नहीं है, क्या बकवास कर रहा हूँ भाई। अब डेढ़ घंटा होने का वेट करते हैं, डेढ़ से दो घंटा होगा, देन निकलेंगे 12 बजे के आसपास, निकलूंगा अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है, 11 बजा दिए बट 11 बजने वाला है, तो निकलूंगा 12 बजे के आसपास, तो मैं ऑब्वियसली अपडेट करूंगा, दिखाऊंगा, तो लेट्स गो, थोड़ा सा रेस्ट ही करूंगा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए रेस्ट ही करूंगा भाई। तो लेट्स गो, अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या 12 बज के ओवर हो चुके हैं, ये नहा के फ्रेश हो चुका और मैं रेडी हो चुका वापस से अपने क्या बोलते हैं लैब जाने के लिए, क्योंकि एक ब्लड था मेरा खाली पेट, एक ब्लड था मेरा खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद, सो मेरा खाना खाए डेढ़ घंटे ऑलमोस्ट हो चुका है, तो फटाफट जाते हैं ब्लड दिखाते हैं और रिपोर्ट पूछ लेंगे कब देना है। मुझे लगता नहीं है आज मिलेगा, मिल भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि नहीं मिलेगा आज, मिल भी सकता है, बट मेरे को लगता नहीं, इतना सारा टेस्ट होगा, मुझे लगता नहीं कि सारा मेरे को आज मिलेगा, अगर आज मिलेगा अभी तो 102 टेस्ट मेरे को आज मिलेगा, बाकी रिमेनिंग कल परसों तरसों मिलेगा, दो तीन दिन करेंगे, बट वो जाकर वहां देखते कैसी नहीं है, तो निकलते फटाफट ब्लड वगैरह देते हैं और फिर रूम आके लंच बनाना पड़ेगा, लंच करके फिर निकलना पड़ेगा ड्यूटी, तो लेट्स गो फटाफट ये सब हैंडल करके, ये सब करके आते हैं फटाफट, लेट्स गो, लेट्स गो, ब्लड दे दिया और जैसा मैंने बोला था ना अपने ब्लॉग में कि पूरा रिपोर्ट मेरे को आज मिलेगा, ऑब्वियसली आधा आज मिलने का चांस है, आधा दो तीन दिन बाद मिलने का चांस सेम होगा, आधा आज मिलेगा, थोड़ा बहुत शाम तक आज मिलेगा, बाकी थोड़ा बहुत बोला कि कल परसों तरसों जैसे अपडेट होगा मेरे को पता चल जाएगा। सो रूम में आए हैं, कुछ बनाते खाने के लिए, चिकन जैसे है ही, चाल बनाते और बढ़िया सा करते हैं लंच और फिर निकलेंगे ड्यूटी पर, लेट्स गो। टाइम भी ऑलमोस्ट निकला था 12 के आसपास, आ रहा हूँ 12:30 के आसपास, उतना भीड़ वगैरह था नहीं ना, तो इजी हो गया सब कुछ, लेट्स गो, अब लंच बनाते बढ़िया सा और देन निकल लेंगे ड्यूटी पे। चिनार चलो चलो लेट्स गो फॉर ड्यूटी, भैंस की आंख, देखता हूँ क्या सीन कर रहा हूँ ड्यूटी जाकर अभी का, क्योंकि मेरे को जिम भी निकलने का कुछ सीन है, ब्लड वगैरह दिया उतना ज्यादा ब्लड दे दिया मैंने एक्चुअली, लेट्स गो चाहते हैं और देखते हैं क्या सीन आता है आज का। आई होप कि मैं आज का भी दिन अच्छे से करके आके बोल पाऊँ कि मजा आ गया भाई। रिपोर्ट भी लेना है कुछ, रिपोर्ट मैं रात को ले लूंगा एक बार जब मैं जाऊंगा शाम को जिम करने के बाद। फिलहाल अभी निकलते हैं, कल तो अटेंडेंस वन था इस टाइम पे, एकदम से अटेंडेंस एक ही बार हुआ था 6-7 के आसपास, आज देखते क्या सीन है नहीं है, लेट्स गो फटाफट चलते और देन देखते क्या सीन है आज का। सो अटेंडेंस देख आ गया हूँ जस्ट अभी नहीं, मतलब बहुत टाइम पहले आ गया था मैं और अभी निकलूंगा जिम के लिए, लेट्स गो। बड़ा बहुत तगड़ा रहा धूप, अगर मैं हल्का सा धूप दिखाऊ ना, मैं नहीं दिखाता मैं एकदम से, अबे कांचा बार पर कहाँ से आ जा रहा है, अबे बाहर एक ब्लैंकेट थोड़ा उठा ले, अबे कांचा अग्निपथ का कांचा जा, थोड़ा ब्लैंकेट लेके आवा, जा जा थोड़ा ब्लैंकेट लेके आवा, अबे दे दे दे। सो लेट्स गो फटाफट जिम निकलता हूँ, ड्यूटी निकलना पड़ेगा उसके बाद, तो जाते ड्यूटी अभी, जाते जिम अभी और जल्दी करके आ जाने आने की ट्राई करूंगा मैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने करा था परसों तरह सेम करा था मैंने। सो लेट्स गो फटाफट चलते, पहले रेडी होते हैं जिम तो निकलेंगे निकलेंगे, पहले रेडी होते हैं, थोड़ा फोल्ड करते ब्लैंकेट वगैरह, अबे भाई क्या हो इस कांचा को, लेट्स गो बड़ी फटाफट रेडी होते हैं और जिम निकलते, बहुत तगड़ा वाला धूप है अभी भी बाहर, बहुत तगड़ा वाला, लेट्स गो। अरे कांचा अपना काम कर रहा है, अरे तो रखा है, मतलब जब भी जिम आता हूँ शाम को, आज जहाँ तक चांस भी जाए जिम मैं ही खोलूंगा, आज भी सेम हुआ है, जिम आया जिम खोला, ये डेस्कटॉप वाला थोड़ा सा इधर कोई एंट्री करवाते जो भी नया एडमिशन लेते हैं, बट हमें से कोई मतलब है नहीं एक्चुअली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को जिम वैसे ही पहचानता तो मुझसे ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह करता नहीं है वो, सो फटाफट अपना करते वर्कआउट वगैरह, मैं जो थर्ड फ्लोर जिम है ना चढ़ चढ़ जाते हैं जो सांस फूल जाता है इंसान का, लेट्स गो पहले बैग रखते हैं अपना देन, हाँ लाइट जलाते ऐसे घूमा नॉर्मली, लेट्स गो कांचा अपना, अबे ये मोटा मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है, हाथ पाँच टूट जाएगा, उधर एक पतला बोले देख लड़के को देख, लेट्स गो एवरीथिंग वाज ओके, फटाफट रेडी होता हूँ मैं, ज्यादा कुछ करूंगा ना मैं, डाइट वाइट लूंगा नहीं मैं, एकदम से आके लूंगा डाइट वाइट, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं ड्यूटी पे अपने फटाक से। हाँ ये मैं डाइट खा लिया, मैं इसको बोलती हूँ अंडे वंडे खा लियो तू, मैं नहीं खा रहा, मैं ड्यूटी से आके खाऊंगा एकदम से, लेट्स गो फटाफट ड्यूटी निकलते हैं अभी, आई होप कि सब कुछ अच्छा है, मैं आके बोल पाऊँ मजा आ गया भाई, बस मैं एक मिनट रेडी हो गया हॉस्पिटल, फटाफट जाता हूँ ये सब बिल बिल लेके, मतलब अपना रिपोर्ट भी लेना है, थोड़ा बहुत रिपोर्ट मिलेगा मेरे को सो मैं ले लूंगा अभी, बाकी जो बचा रहेगा मैं बाद में ले लूंगा आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो पर
आई होप कि मैं आगे बोल पाऊंगा, वही मजा आ गया। बस और कुछ नहीं, लेट्स गो, जाते हैं और अपना वीडियो शुरुआत करते हैं आज का। চকলেট কে দিয়েছে, কে দিয়েছে? ইউ আ কটা কটা আমাকে দাও, দুটো 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 দিয়েছে আমাকে, দাও আমাকে দাও, দিবে ওখানে, চলো দেবে ওখানে গেলে দেবে। বহুত বলা লিটারালি পেটা আই কি হচ্ছে, দিবে না দেখা, দিবে 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 ওখানে, হ্যাঁ ওখানে গেলে দেবে। আমাকে দেবে না, দিবে, একটু হেসে দেখো, হেসে দেখো, বন্ধ কর। मैं जिम कर आया था, वो वाला गुस्सा देख के मेरे को कूद गया लिटरली, वो आके से चढ़ गया। मैं तो फिर बोल रही थी ओ बाबा देख तेरा दाढ़ी पकड़, तो दाढ़ी पकड़ था और मेरा ये पर ही खेल दिया लिटरली। मेरा छोटा बच्चा ना, सब बात थोड़ा थोड़ा कैसे होता, मजा आ रहा था। और बांग्लादेश से है ये, बांग्लादेश आउट ऑफ फील्ड, इसकी मम्मी वीजा लगा के इंडिया आई इलाज करवाने के लिए, बस वो भी बैंगलोर, बैंगलोर वीजा से। टूकी है की, এখানে কি, এখানে কি, এটা কি রে জান্নাত, এটা কি, এটা सब कुछ परफेक्ट आया, इतना परफेक्ट आया मैं क्या ही बताऊं। एक जिम करने वाला बंदा इतना कुछ खाता पीता है, बट उसका रिपोर्ट अगर एक्चुअली परफेक्ट आ जाए ना, तो बंदा एक्चुअली खुश होकर। एक चीज देखिए, मैं एक्चुअली इतना सॉफ्ट हूँ ना, इंसान के बॉडी में हीमोग्लोबिन एक लिमिट तक होता है, 16 लिमिट होता है, 11 से लेकर 16 के बीच में होना चाहिए। मेरा मैं तो 16 क्रॉस हो गया। मेरे बॉडी में जो भी चीज आया ना, अच्छा वाला चीज, सब एकदम हाई है। लाइक ब्लड बॉडी में कितना है मेरा, ज्यादा है। जो रिपोर्ट पर आया डॉक्टर ऐसे थोड़ा सॉफ्ट हो गया, मतलब ब्लड थोड़ा बॉडी में ज्यादा है ना मेरा, थोड़ा सॉफ्ट हो गया। इतना ब्लड बॉडी में कैसे हो सकता है इंसान का, बट अब है तो अच्छा चीज है, तो अच्छा चीज है। लेट वन के बाद उनका जिंक पहले, अब अच्छा चीज है तो मतलब अच्छा चीज है एक्चुअली, तो लेट्स गो। और मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे वार्ड में ना, लाइक दूसरे वार्ड में जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ नॉर्मली वगैरह, ऐसे जो जिसका बच्चा मैं लेके घूम रहा था जो वीडियो में आज भी देखा था, कल वाला वीडियो में देखा था, बच्चा लेके घूमा, उसकी मम्मी पापा ना बांग्लादेश से, वो लोग वीजा लगा के इंडिया आ रखा है इलाज करवाने के लिए अपने, ठीक ना। तो वो लोग ना किसी के थ्रू एक्चुअली आया है, ऐसा नहीं उनके पास नॉलेज था कि आप आए, नहीं, वो किसी डॉक्टर के एडवाइस से यहाँ पर आ रखी है। और वो पूरा बात डॉक्टर के बीच वाला बात है, डॉक्टर ने इसको पकड़ा फिर ट्रांसफर इधर करा, ये सब डॉक्टर की बात है। नहीं बाद में कहेंगे, अंडा रुक जा। सो तू बना बोल कर दिया क्या, अब मैं खाता हूँ अंडा, छिल में आता हूँ फिर मैं, डैड भी आता जिम जाने के बाद, सुनो ये सब बात करता हूँ, कुछ बातें कर लेता हूँ, ठीक ना। सो वो लोग ना किसी के थ्रू आ रखा है एक्चुअली, बहन जो डॉक्टर इतना, बहन के लोड़े माधर चौथ डॉक्टर लोग है, उनका 2.5 लाख रुपए खा गया और अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ऑपरेशन हो गया उनका, बस पैर वैर कुछ डैमेज था, कर दिया ऑपरेशन, बट 2.5 लाख 3 लाख रुपए खाने के बाद बोल रहे कि और भी पैसा दो, उनको डिस्चार्ज अगर नहीं दे रहा है, उनको कहीं जाने नहीं दे रहा है, उनको ऊपर से हर दिन चिल्ला चिल्ला कर डराया जाता है, धमकाया जाता है, ऐसा वाला सीन है। उनके माँ बाप आज हमारे को बुलाए थे कि थोड़ा सा मुसीबत में फंसे, हमें बताया ये सब सीन है, तो 2-3 लोकल यहाँ के, यहीं के लोकल एक्चुअली, यहीं आसपास के लोकल ने थोड़ा सा जिम्मेदारी की स्टेप से लिया कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे सिचुएशन से। कितने सोचने वाली बात है, बांग्लादेश से वो फैमिली वीजा लगा के इधर आए थे इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर के चक्कर में फंस गया वो लोग। उस वार्ड में 5-6 डॉक्टर है, नाम भी मैं जो पता लगे मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो लोग इतना चुतियाब कर रहे हैं ना, डॉक्टर लोग भी उन लोगों को चुप कराते रहे, वो लोग चाहते हैं ना, जूनियर डॉक्टर लोग एक्चुअली वो चाहते हैं, कोई मेन डॉक्टर से, बड़ा डॉक्टर से बात करो, प्रॉब्लम से निकलो, वो लोग उसको दवा के नीचे रख रहे हैं, इतना गंदा फंसा रखा उन लोगों लिटरली। हमें बुलाया उसकी फैमिली ने, बोला ऐसा ऐसा सीन है, और हम ही क्या कर लेंगे, हम तो स्टूडेंट है एक्चुअली, हम क्या ही कर लेंगे। तो हमने सुना, मतलब हमने कुछ एडवाइस भी करा चीजों को कि ये सब सही है क्या गलत है, बट हमसे क्या ही हो जाएगा एक्चुअली। तो ये सब साइड रखते हैं, अभी प्लान तो थोड़ा बाहर से बिरयानी खाने का, बट सडनली प्लान चेंज करना, नहीं खाएंगे बाहर से बिरयानी, तो लेट्स गो। अभी देखते हैं कुछ अच्छा कुछ सब बनेगा तो खाएंगे, अभी 2 अंडा पहले निपटा लेते हैं अपना, लेट्स गो।